आने वाला नया साल है नए लक्ष्य की बात करूं, आने वाला नया साल है नए लक्ष्य की बात करूं, छोड़ो सब गम चिंताएं, जी हाँ छोड़ो सब गम चिंताएं, खुशियों की तुम बात करो, छोड़ो सब गम चिंताएं, खुशियों की तुम बात करो। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ, और वह विषय है यह आने वाला वर्ष आप सभी किस प्रकार से खुशियों से परिपूर्ण करने वाले हैं, किस प्रकार से अपने लक्ष्य को पूर्ति करने वाले हैं, किस प्रकार से आप अपने मोटिवेशन के माध्यम से सहजता के साथ आप अपने लक्ष्य की प्राप्त करते हैं। यदि आप अपने मोटिवेशन का सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं, परिश्रम सही दिशा निर्देश में करते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों आप अवश्य ही सफल होंगे। फ्रेंड्स, आप में से तमाम हमारे युवा साथियों का यह प्रश्न है कि मैं पिछले वर्ष मैं कई एग्जाम दिया लेकिन सफल नहीं हुआ, इस वर्ष भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा जो दिया उसमें मेरा अच्छा प्रयास दिखा नहीं, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। उन तमाम युवाओं के प्रश्नों के क्रम में आज के इस मोटिवेशनल संदेश को आपके बीच लाया गया है कि साथियों आप कभी भी उदास ना हो, क्योंकि जैसे ही आप उदास होते हैं, निराश होते हैं और आसपास के वातावरण में अपनी सफलता का उम्मीद नहीं देखते हैं, तो ये निश्चित है कि आप सही दिशा में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करने से भ्रमित होते हैं। और यदि सही दिशा में परिश्रम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आने वाला कल आपका अंधकारमय होता है। और मैं जानती हूँ आप ऐसे युवा हैं जो देश के भविष्य हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तभी होगी जब आप जैसे होनहार युवा देश की प्रगति में अपनी सुनिश्चित सहभागिता देंगे। साथियों कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने भीतर असीम ऊर्जा का सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। आप जब परिश्रम करने लगेंगे लगातार, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, यदि 21 दिन आप कंटिन्यूसली अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वर्क करें, 22वें दिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे निश्चित रूप से मैं सफल होऊंगा, आई कैन डू इट, यस फ्रेंड्स आई कैन डू इट। फ्रेंड्स आप 21 दिन के फॉर्मूले को अपने लक्ष्य पूर्ति में लाइए और अगले वर्ष जो आने वाला पल है आपके खुशहाली से परिपूर्ण होगा, यदि आप ऊर्जा के साथ सकारात्मक वे में सफल होंगे। साथियों आप सभी को यह भी बताना है कि जो भी रिजल्ट आता है उसमें मैक्सिमम उन युवाओं का नाम होता है जो पूर्व में कई बार कई परीक्षाओं में असफल हुए होते हैं, लेकिन वो निराश नहीं होते हैं, अपने परिश्रम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप जैसे होनहार युवा पर कि आप अवश्य ही आने वाले कल में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कृतसंकल्प होकर सही दिशा निर्देश में परिश्रम करेंगे और अवश्य ही लक्ष्य प्राप्त करेंगे। साथियों आप सभी के लक्ष्य प्राप्ति में जो भी सहयोग होगा मैं अवश्य ही आप सभी को दूंगी, जो भी समस्याएं हैं आप सभी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएंगे, क्योंकि आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्न, आप सभी द्वारा बताए गए समस्याओं के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच तमाम गाइडेंस क्लासेस लाए जा रहे हैं, आप सभी के भीतर छिपे ऊर्जा को जागृत करने के लिए मोटिवेशनल संदेश भी लाया जाता है। इसी आशा उद्देश्य विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि आने वाला कल आप सभी का होगा, आने वाला पल खुशहाली भरे होगा। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।